हेलो, मैं हूँ सौरभ मोहता। हाल ही में केरला में जो इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पे एक प्रेग्नेंट एलिफेंट की बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है, वो बहुत ही बड़ा अक्षम्य अपराध है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। क्या हम इंसान होके भी इंसानियत भूल चुके हैं? क्या हमें नहीं पता सही और गलत के बीच का अंतर? पता है, लेकिन फिर भी ये अपराध हो रहे हैं, क्यों? केरला जहां पे इंसिडेंट हुआ है, वहां का राज्य पशु, स्टेट एनिमल हाथी है, एलिफेंट है। बहुत ही शर्म की बात है कि यह घटना वहां पे हुई है। केरला की राज्य सरकार, वहां की स्टेट गवर्नमेंट से मेरी यह अपील है, निवेदन है कि इस मामले की जांच हो और जो अपराधी है उनसे सेक्शन 428 और 429 के तहत उनसे जुर्माना वसूल किया जाए और 2 साल की जेल हो। अगर हमने ये आज नहीं रोका तो कल कोई और करेगा, किसी और पशु के साथ करेगा, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे एक और निवेदन है कि इस इंसिडेंट को किसी भी धर्म से ना जोड़ा जाए। हम सब इंडियंस हैं और ये इंसानियत का प्रश्न है, ह्यूमैनिटी का प्रश्न है। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ये मेरा जो मैसेज है वो सब तक पहुंच पाए और स्पेशली केरला की गवर्नमेंट तक। और प्लीज़ इंसानों की रिस्पेक्ट कीजिए, और अगर आप इंसान हो तो जानवरों की रिस्पेक्ट भी कीजिए, क्योंकि वो भी हमारे इस देश का, हमारे इस पृथ्वी का हिस्सा है। थैंक यू। जय हिंद।